हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा यूनिट 4 का एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि जब जहां पर शिक्षा से संबंधित जिस भी तरह की समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को जो है वो अध्ययन किया जाता है। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का अच्छे तरीके से अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद उन समस्याओं को तत्काल ही जो है वो क्या करना, सॉल्व करना ही अपने आप में एक्शन रिसर्च है। क्रियात्मक अनुसंधान कि किसी भी तरह की समस्या आ गई उस समस्या के ऊपर तभी के तभी इमीडिएटली जो है वो किसी भी तरह की क्रिया करना, एक्शन करना अपने आप में क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बिहाफ पर पाठ्यक्रम में कोई समस्या आ रही है उसको रिजॉल्व करना है तो उसमें एक्शन किया जाएगा, तो इसे हम एक्शन रिसर्च करेंगे। इसी तरह से क्लास के अंदर टीचिंग मेथड्स के बिहाफ पर समस्या आ रही है तो उसे रिजॉल्व अगर किया जा रहा है तो उसे जो है वो एक्शन रिसर्च किया जाएगा, कहा जाएगा। लर्निंग से संबंधित या लर्नर से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का पता लगाना और पता लगाने के बाद तभी के तभी जो है उसे रिजॉल्व करना, सॉल्व करना अपने आप में क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च जो है वो कहलाता है। जब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स करी थी तो करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या कहा था कि जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। मतलब कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है। वैज्ञानिक पद्धति के बिहाफ पर क्या हो गया कि यहाँ क्या है, किसी भी वर्क या किसी भी कार्य को अगर करना है तो वो सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा, सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो किया जाएगा। तो किसी भी प्रक्रिया या किसी भी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए उसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसका एक प्रोसीजर जो है वो होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की क्रियात्मक। कोई भी समस्या आ गई टीचिंग लेवल पर, लर्निंग लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, किसी भी तरह की समस्या आ जाती है तो उस समस्या को अगर हम एक्शन रिसर्च के बिहाफ पर सॉल्व करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं उसका, तो उसे जो है वो किस सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो किया जाएगा, इसी चीज को प्रोसीजर कहा जाता है या स्टेप्स भी जो है हम कह देते हैं। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च और प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है या क्रियात्मक अनुसंधान के पद जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पद हैं एक्शन रिसर्च के। एक्शन रिसर्च के अंदर किसी भी समस्या को यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो इसके अंदर आता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ये एक्शन रिसर्च करने का सबसे पहला जो है वो क्या होगा, स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना किसकी, समस्या। सबसे पहला जो है वो स्टेप क्या हो गया, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो है वो समस्या का पहचान किया जाएगा कि वो समस्या है किस तरह की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो समस्या जो है वो किसी से संबंधित भी हो सकती है। कि प्रॉब्लम जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, हम कहें कि टीचिंग से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम, कि जहां शिक्षण का या पढ़ाने का तरीका जो है वो सही नहीं है तो उस प्रॉब्लम को जो है अगर हमें रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले पहचान जो है वो करी जाएगी कि समस्या जो है वो टीचिंग से संबंधित है। इसी तरह से प्रॉब्लम जो है वो किस चीज से संबंधित है, हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है कि प्रशिक्षण या प्रशिक्षा जो ली जाती है, परीक्षा जो बच्चों की ली जाती है, मूल्यांकन किया जाता है उस पद्धति के अंदर तो कोई तरह की समस्या है, या हम कहें कि प्रॉब्लम जो है किस चीज से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, प्रशासन से जो है वो संबंधित है उस तरह की समस्या है, या हम ये कहें कि जो समस्या है वो लर्निंग से संबंधित है, लर्नर से संबंधित है। सबसे पहले जो है वो क्या
पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम की प्रकृति जो है वो कैसी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो समस्या है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है या जो समस्या है वो टीचिंग से संबंधित है। जब टीचिंग से संबंधित आएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, या तो हमारा विषय वस्तु आ जाएगी या हमारा मेथड आ जाएगा कि पढ़ाने के मेथड से संबंधित है या टीचर से पर्सनली जो है उससे संबंधित है, किस तरह की समस्या है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो स्कूल के प्रशासन की बात आ जाएगी, जहाँ स्कूल की हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्कूल के द्वारा जो बच्चों को अदर फैसिलिटीज जितनी भी दी जाती हैं वो आ जाएंगी। को करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में हो रही है उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो आ जाएगी। लर्निंग से संबंधित या लर्नर से संबंधित आ सकती है कि लर्नर कोई भी पर्सनल उसको कोई समस्या आ रही है, जैसे एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे को पर्सनल जो है वो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करना है, या इसके साथ साथ किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन है या पर्टिकुलर जो है वो किसी भी बच्चे की जो है वो पर्सनल कोई समस्या है। तो सबसे पहले ये पता लगाना कि पहचान करना कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, उसका मेन जो है किस तरह की प्रॉब्लम है, कि नेचर का पता लगाना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी प्रकृति जो है वो किस तरह की है। तो वो चीज कहाँ करी जाती है, सबसे पहले पद के अंदर करी जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंड स्टेप आता है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम की हमें प्रकृति पता चलेगी कि प्रॉब्लम किस चीज से संबंधित है, वो शिक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित है या टीचर से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, किससे संबंधित है, उसके बाद जो है सेकेंड पद के ऊपर क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, उसे डिलिमिटिंग जो है वो किया जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि समस्या को सरल व स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, समस्या को सरल व स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना। कि जब हमारे प्रॉब्लम का हमें ये पता चल गया कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी लर्नर से संबंधित है, टीचर से संबंधित है, किससे संबंधित है, उसके बाद हम उसको प्रॉपरली जो है वो डिफाइन करेंगे वर्ड्स के अंदर कि एक्जेक्ट जो है हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसका क्षेत्र जो है वो क्या है, एरिया जो है वो क्या है। कि वो लर्नर से संबंधित है तो लर्निंग एरिया हो गया, टीचिंग से संबंधित है तो टीचिंग एरिया हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर उसकी जो है वो सबसे पहले उसको प्रॉपरली सेकेंड स्टेप के ऊपर डिफाइन किया जाएगा कि प्रॉब्लम वाकई के अंदर हमारी जो है वो क्या है, उसको डिफाइन किया जाएगा, उसके एरियाज को जो है वो समझा जाएगा, इसके अंदर हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर हमारा, दैट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। Causes of problem. ये क्या है हमारा थर्ड स्टेप, किस चीज का, हमारे एक्शन रिसर्च का, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। हिंदी में हम क्या कहेंगे कि समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। अब हमारे पास हमें ये पता चल गया कि समस्या का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति किस तरह की है, उसके बाद हमें प्रॉपरली उसका एरिया समझ में आ गया कि वो समस्या जो है वो हमारे किस पहलू से जो है वो संबंधित है, उसके बाद यहाँ हम क्या पता लगाएंगे कि कारण जो है वो क्या है, उस प्रॉब्लम के रीजन जो है वो किस तरह की है, कि वो प्रॉब्लम जो है वो क्यों उठी है, मतलब हम उसके हर एस्पेक्ट को जो है वो गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को जो है हम पढ़ेंगे, उसके वेरिएबल्स, उसकी स्पेसिफिक चीजों को जो है वो जानकारी इकट्ठी करी जाएगी, पता लगाया जाएगा
रहेगा कि वो प्रॉब्लम अगर आई है तो वो प्रॉब्लम क्यों आई है, कहाँ जो है वो कमी रह गई। अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि लर्नर में जो है वो क्लास में अटेंटिवनेस की जो है वो कमी है, ध्यान जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं बच्चे, इस तरह की समस्या आई है तो ये समस्या क्यों आई है, ये टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई है कि टीचर जो है उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, ये कारण हो सकता है। उसके साथ साथ जो है और कारण हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो किसी दूसरी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, ये उसका कारण हो सकता है, या बच्चों के व्यक्तिगत या बच्चे का खुद का व्यक्तिगत जो है वो कारण हो सकता है कि पर्सनली जो है उसे किसी तरह की डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वो क्लास के अंदर ध्यान केंद्रित जो है वो नहीं कर पा रहा है, या इसके साथ साथ उसके जो हम कहें कि पर्सनल जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे संबंधित उसको प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, कि रीजन जो है वो पता लगाना, वेरियस जो है वो कारण क्या है समस्या के उठने के, उन सभी समस्याओं के कारणों को क्या करना, एनालाइज करना, उसका जो है वो विश्लेषण करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास फोर्थ स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। Formulation of action hypothesis, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये क्या होगा हमारा फोर्थ स्टेप, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्रियात्मक परिकल्पनाएं, सबसे पहले तो परिकल्पनाएं जो है वो क्या होती हैं, परिकल्पनाएं क्या होती हैं, ये मैं आपको पहले भी जो है जब हमने टीचिंग मॉडल्स करे थे तो उसमें भी जो है वो हाइपोथेसिस शब्द बारी बारी जो है वो यूज किया गया था, और मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस का मतलब जो है वो क्या होता है, परिकल्पनाओं का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोई समस्या हमारे सामने आई है, जब हमने उसके रीजन जो है वो पता लगा लिए तो हम उस रीजन के बाद जो है उसके क्या निकालने की कोशिश करेंगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो जहां पर सॉल्यूशन जो है वो निकाले जाएंगे, अलग अलग तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को देखा या परखा जो है वो जाएगा, और उसके हम क्या निकालेंगे, टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे, जो हम कहें एक टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है उसको जो अज्यूम किया जाता है, उनको माना जाता है, तो उन्हें को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस जो है वो कहा जाता है। जहां हम ये कहें कि कोई भी समस्या है, उस समस्या को, कोई एक समस्या है तो ये तो है नहीं भी एक समस्या होगी, उसका जो सॉल्यूशन भी है वो एक ही होगा, उसके सॉल्यूशन जो है वो वेरियस होंगे, अलग अलग जो है वो तरीके से उसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग हम कहें उपकरण होंगे या वेरियस जो है वो वेज होंगे, तरीके होंगे उस चीज को सॉल्व करने के। तो वही चीज होती है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी समस्या के टेंटेटिव सॉल्यूशंस का जो है वो पता लगाना कि कौन से जो है वो इसके समस्या के समाधान हो सकते हैं, उन सभी समाधान के बिहाव पर हर तरह की जानकारी को क्या करना, इफेक्टिव या उसको जो है वो कलेक्ट करना, इकट्ठा जो है वो करना। जब एक्शन हाइपोथेसिस करे जा रहे हैं, परिकल्पनाओं का जब निर्माण किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी परिकल्पना हो वो किससे संबंधित हो, समस्या से संबंधित हो, जो भी सॉल्यूशन निकाले जाए वो सॉल्यूशन जो है वो समस्या से संबंधित हो, उसको जो है वो प्रभावित करने वाली हो, वो किसी भी तरह से उसको जो है वो प्रभावित करे, उसको जो है वो इम्प्रूव करने में प्रभावित करे, या किसी भी एस्पेक्ट के बिहाफ में उसकी जो है वो जानकारी दे, तो वो हमारा क्या है इसके अंदर फोर्थ स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है, जब हमारे पास अलग अलग क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे प्रॉब्लम के, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लगाएंगे, दैट इज जो हमारा नेक्स्ट होगा कि उसे एक्शन प्लान, कि उसके ऊपर क्रियान्वयन कार्य जो है वो किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एक्शन प्लान, जिसे हिंदी में कहा जाएगा क्रियात्मक कार्यक्रम। जो समस्या आ गई उस समस्या को रिजोल्व करने के क्या है, अलग अलग कार्य जो है वो किए जाएंगे, कि समस्या अगर आई है तो वो समस्या के जब हमारे पास समाधान आ गए तो उन समाधान को एक एक करके उसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर क्या है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब प्रॉब्लम के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें जो है वो अलग अलग ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या मिलेंगे, तरीके जो है वो उसके अंदर
मिलेंगे। तो इसी चीज को क्या कहा जाएगा, हम कहें क्रियात्मक कार्यक्रम, कि जो समस्या के हमने यहाँ सॉल्यूशन निकाले उन सॉल्यूशन को यहाँ हम क्या करके देखेंगे, लागू करके देखेंगे, किसमें, प्रॉब्लम के अंदर। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास एक समस्या आई थी कि बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर ध्यान जो है वो नहीं लगा रहे हैं, उसके हमने जो है वो अलग अलग रीजन या अलग अलग सॉल्यूशन निकाल दिए कि क्लास में जो है वो उनको अलग से समय दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, अध्यापक जो है वो उनको पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग रखेगा, उसके साथ साथ उनके ऊपर जो है वो वर्क किया जाएगा कि उनके जो है वो हर तरह के व्यवहार या उसकी जानकारी ली जाएगी। तो ये हमने क्या किए थे, सॉल्यूशंस जो है वो सोचे थे एक्शन हाइपोथेसिस के बिहाव पर। फिर उन सॉल्यूशंस को जो है वो वन बाय वन जो है वो क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे हमने कहा कि एक हमने सॉल्यूशन ले लिया कि टीचर जो है वो पढ़ाने का तरीका जो है वो बदल देगा, ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरीका आ गया। तो इस तरीके को क्लास के अंदर अध्यापक जो है वो लगातार 3 या 4 दिन जो है वो करके देखेगा, फिर उस पे क्या होगा, हाई वर्क या उसको एनालाइज किया जाएगा कि क्या वाकई के अंदर बच्चे के अंदर जो है वो चेंजेस आए या नहीं आए, उस चीज को जो है वो देखा जाएगा। अगर नहीं हुआ फिर दोबारा दूसरा जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि बच्चे के व्यक्तिगत आस्पेक्ट्स के बिहाव पर कोई समस्या है तो उसके रिगार्डिंग उसे जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी, गाइडेंस का परामर्श या मार्गदर्शन का प्रोग्राम जो है उसके साथ किया जाएगा, जो कि 2 या 3 दिन जो है लगातार उसके साथ किया जाएगा, उसके हर आस्पेक्ट को देखा जाएगा। तो इस तरह से हम वन बाय वन जो हमारे पास क्या थे, जो हमने एक्शन हाइपोथेसिस के बिहाव पर टेंटेटिव सॉल्यूशंस निकाले थे, उन सॉल्यूशंस को हम एक एक करके क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू जो है वो कर देंगे। और जब हम लागू करेंगे उसके साथ साथ हम क्या है उसका इवैल्यूएशन वर्क देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशन के बिहाव पर हमारे पास रिजल्ट जो है वो अच्छे आ रहे हैं। जिस भी सॉल्यूशन के बिहाव पर रिजल्ट अच्छे आएंगे वही हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो हमारे पास किसी भी समस्या का फाइनल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो जब हम एक्शन प्लान कर देंगे उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 6th जो है वो स्टेप होगा, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्शन प्लान। 6th स्टेप हमारे पास क्या होगा इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्शन प्लान। जो हमने क्रियात्मक कार्य किया था बच्चों का, इम्प्लीमेंट जो हमने किया था उसके बिहाव पर किस तरह का जो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आया, उसका जो है हम मूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से वेरीफाई रिजल्ट जो है वो हमारे सामने रहा। जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, समस्या के बिहाव पर किस तरह का परिवर्तन जो है वो हुआ, बच्चे का टर्मिनल व्यवहार, उसका अंतिम जो है प्रारंभिक जो व्यवहार था जहाँ वो किसी तरह की अटेंटिवनेस नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद बच्चे की समस्या जो है वो रिजॉल्व हो गई, समस्या को अच्छे तरीके से जान लिया गया, पहचान लिया गया, उसके समाधान जो है वो दे दिए गए, उसके बाद उसमें इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ कि उसके प्रवर्तन जो है वो हुए या नहीं हुए, हम रिजल्ट को जो है वो देखेंगे यहाँ पर कि इवैल्यूएशन जो है वो किस तरह से हमारा रहा। अगर इवैल्यूएशन जो है वो अच्छा रहा तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो एक्शन प्रोग्राम है वो क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। और अगर हम ये देखेंगे कि उसमें किसी भी तरह की त्रुटियां या खामियां, कि इवैल्यूएशन जो है वो हमारा अच्छा नहीं रहा, बच्चे में अभी तक भी जो है वो किसी तरह की कमियां जो है वो पाई गई हैं, तो फिर दोबारा से उसके ऊपर जो है वो एक्शन प्रोग्राम किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फॉलो अप वर्क का नाम दिया जाएगा। तो हमारा लास्ट स्टेप जो है वो इसके अंदर क्या होगा, दैट इज फॉलो अप वर्क। ये क्या होगा हमारे पास, एक्शन रिसर्च का 7th पॉइंट। फॉलो
फॉलो अप वर्क को क्या कहा जाएगा? अनुगमन कार्य। अनुगमन कार्य का मतलब क्या हो गया कि जो हमने एक पूरा एक एक्शन रिसर्च किया बच्चे के साथ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने कहा कि रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा, तो हमारा एक्शन रिसर्च क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर यहाँ पर जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसमें क्या हुई, किसी तरह की खामियां हुई, तो यहाँ दोबारा से जो है वो एक्शन रिसर्च को री जो है वो क्या किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, दोबारा से जो है उसे बनाया जाएगा नए तरीके से, नए उसके अंदर सॉल्यूशंस को डालकर। उसके साथ साथ जो हमारे पास हमने एक्शन रिसर्च किया था उसकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी, हम कहें कि पूरी तरह से उसकी छानबीन करी जाएगी, किस तरह से जो है वो पूरे के पूरे एक्शन रिसर्च के प्रोग्राम के अंदर समस्या तो नहीं रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो अगर आई तो नेक्स्ट टाइम अगर एक्शन रिसर्च किया जाए तो उस तरह की किसी भी प्रकार की समस्याएं जो है वो सामने ना आए, उन सभी समस्याओं को जो है वो दूर करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, एक्शन रिसर्च का प्रोसीजर स्टेप। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का पहचान किया जाएगा, अर्थात समस्या की प्रकृति कैसी है उस चीज के बारे में जाना जाएगा। दूसरा क्या है, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, जो समस्या है उस समस्या को परिभाषित किया जाएगा, सरल व स्पष्ट शब्दों में उसके एरिया क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड एनालाइजिंग द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, जो समस्या है उसके विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि वो कारण जो है वो क्यों रहे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का या क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, जो हमारे पास प्रॉब्लम के रीजन आए उसके भाव पर हम अलग अलग जो है उसके समाधान के बारे में सोचेंगे, उसके अलग अलग टेंटेटिव सॉल्यूशंस जो है वो बनाएंगे। फिर क्या आता है हमारे पास, एक्शन प्लान यानी कि क्रियात्मक कार्यक्रम, जो हमने यहाँ पर समाधान के सॉल्यूशन सोचे उन सभी सॉल्यूशंस को यहाँ वन बाय वन एक एक करके क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, सिक्स स्टेप के ऊपर इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्शन प्लान, जो यहाँ पर हमने एक्शन लगाए थे उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर दोबारा से मूल्यांकन किया जाएगा कि वो जो हम लागू कर रहे हैं सॉल्यूशंस को वो कितने सक्सेसफुल जो है वो रह रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉलो अप वर्क यानी कि अनुगमन कार्य किया जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्शन रिसर्च के बिहाफ पर बच्चे की या किसी तरह की समस्या जिसके बिहाफ पर कार्य हो रहा था उस समस्या का सलूशन नहीं निकला है, तो उसको दोबारा से उस पे फॉलो अप वर्क किया जाएगा कि कहां जो है वो पूरे के पूरे एक्शन रिसर्च के अंदर कमियां रह गई हैं, उनका पता लगाया जाएगा और उसके साथ साथ उसको जो है दोबारा से एक नए तरीके से, नए इन्वेंशंस या नए हम कहें रिजल्ट के साथ उसे फिर दोबारा से रीप्लान जो है वो किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा प्रोसीजर है किस चीज का, एक्शन रिसर्च का। ये हमने क्या किया है, दैट इज प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च। प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम इसे, प्रक्रिया भी बोल देते हैं, और इसके साथ साथ इसे जो है वो स्टेप भी बोला जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के पद, किस किस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो किया जाएगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस या यूजेस देख लेते हैं एक्शन रिसर्च के। Uses of action research. Uses of action research. Action research क्यों किया जाता है? That is development of scientific outlook. Hmm?
वैज्ञानिक नजरिए को बढ़ाने के लिए। वैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है कि समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से घबराना नहीं है, उन समस्याओं का क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। तो इस तरह का जो है वो हर किसी का साइंटिफिक आउटलुक, उसका नजरिया जो है वो वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट वो कहता है सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। शिक्षा से संबंधित जितनी ही समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं के सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, इसका यूज है। अगर हम शिक्षा से संबंधित समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएंगे, एक बच्चे का हम सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। केवल शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व ही नहीं करना है, उसके साथ साथ जो हमारा एक शिक्षा का प्रणाली है उस शिक्षा की प्रणाली को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसमें किसी भी चीज तरह की जो कमियां हैं उन कमियों का पता लगाना है और उन कमियों को दूर भी जो है वो करना है। नेक्स्ट वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट। ये इसकी सबसे अच्छी जो है हम कहें यूजेस है, एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट, जो परिणाम आया उसको तभी के तभी क्या करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट जो है वो करना, उसी तरह जो है वो लागू करना। ये इसकी खास बात है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट की बात करने के बाद हमने कह दिया कि पाठ्यक्रम को परिवर्तित करना है, सॉल्यूशन निकल गया, तो यहीं पर जो है इस बात को खत्म नहीं किया जाएगा, उस पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया भी जाएगा और उस पाठ्यक्रम को जो है वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर लागू भी जो है वो किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ यूजेस हैं किस चीज की, एक्शन रिसर्च की। तो यहाँ हमारा एक्शन रिसर्च का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने एक्शन रिसर्च देखा, होती क्या है, उसकी मीनिंग को देखा, उसकी डेफिनेशंस को देखा, करैक्टरिस्टिक्स को देखा, कुछ एम्स के बारे में हमने बात करी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हमने एक्शन रिसर्च की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करी कि प्रोसीजर जो है वो किस तरह से किया जाता है, और लास्ट में हमने एक्शन रिसर्च के क्या देखे, यूजेस जो है हमने देखे। तो यहाँ हमारा एक्शन रिसर्च का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें।